ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने सोमवार को नामांकन पत्र लेने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने सिंह सरकार में मंत्री रहे दयालदास बघेल को छठवीं बार प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी बघेल ने सोमवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र लेने बेमेतरा कलेक्टरेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि महाभारत में अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को माता दी, वैसे ही नवागढ़ विधानसभा में चुनावी जंग में कांग्रेस गुरु रुद्र को भी परास्त करेगा। केंद्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनताओं के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और आज मैं यहाँ नामांकन लेने आया हूँ। गुरु के बाद फिर गुरु कैसे करेंगे सर? हम अपना काम करेंगे। एक गुरु आया चला गया और दूसरा गुरु आया है वो भी जाएगा। सतनामी समाज के गुरुदेव कहते हैं अपने आपको, रण में गुजरात चलता है गुरु और चला। क्या है आप सबको मालूम है और आप सभी लोग जानते हैं महाभारत में क्या हुआ, द्रोणाचार्य और अर्जुन रण में गुरु चले थे। माने ही क्या गुरु चल पूछे, हमारे यहाँ गुरु आ रहा है गद्दी में बैठेगा तो प्रणाम करेंगे और रण में आ गए तो लड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।